ओकनसलाह आर नोमरिकल एक्जाम्पल जो स्टूडेंट्स आज हम ओकनसला को एक नोमरिकल एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे लास्ट मेड्यूल में हमने बात की थी कि ओकनसलाह क्या है द रिलेशनशिप बिटवीन सिक्लिकल अनएम्प्लॉमेंट एंड आउटपुट डिग्री दिन आउटपुट ओके सो हमने देखा था कि वन परसेंटेज पॉइंट इन द अनएम्प्लॉमेंट लेवल यानी सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में अगर एक परसेंट इजाफा होता है तो उससे आउटपुट में टू परसेंट कमी हो जाती है तो उसके रीज़न्स क्या हैं उसमें हमने देखा था तीन रीजन्स थी एक रीज़न तो ये थी कि लेबर फोर्स कम हो जाती है सेकंड ये थी कि वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं और थर्ड ये थी कि एवरेज प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है सो आज हम इन इन बातों को एक नोमरिकल एग्जाम्पल की मदद से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं ओके okay. एग्जाम्पल हम यह ले रहे हैं कि सपोज एक इकोनॉमी है और लेबर फोर्स का साइज है टू थाउजेंड वर्कर्स ठीक है आप याद है हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि लेबर फोर्स से क्या मुराद होती है कि आपकी ये वर्किंग एज ग्रुप के वो लोग हैं जो एक खास एज ग्रुप में यानी पाकिस्तान में आपको बताया था कि टेन ईयर्स एंड अब एज के जो लोग हैं ये वो लोग हैं और ये काम मार्केट का जो बेच रेट है उस पर काम करना चाहते हैं और काम को एक्टिवली तलाश कर रहे हैं तो उसको हम लेबर फोर्स कहते हैं ऑब्वियसली इसमें दो तरह के लोग होंगे एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड तो लेबर फोर्स का हम साइज एज्यूम कर रहे हैं टू थाउजेंड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयड परसन आर नाइनटीन हंड्रेड सुबाकी वन हंड्रेड नाइनटीन हंड्रेड हैं तो बाकी वन हंड्रेड वो लोग होंगे जो अनएम्प्लॉयड है और इसके साथ हम ये रेज्यूम करें कि ईच वर्कर इज वर्किंग फोर्टी आवर्स पर वीक आउटपुट ऑफ ईच आवर ऑफ वर्क इज टेन यानी एक वर्कर जब एक घंटा काम करता है तो आउटपुट के टेन यूनिट्स वो प्रोड्यूस करते हैं टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क पर वीक इन द इकोनोमी कितने हो जाएंगे नाइनटीन हंड्रेड पर्सन आर एम्प्लॉयड ईच पर्सन इज वर्किंग फॉर फोर्टी आवर्स पर वीक सो so, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज सेवेंटी सिक्स थाउजेंड आपके पास वर्किंग आवर्स आ जाएंगे टोटल आउटपुट पर वीक कितनी हो जाएगी ईच वर्किंग आवर से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं टेन यूनिट्स ऑफ आउटपुट सो दिस सेवेंटी सिक्स थाउजेंड वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाइड सो दिस विल गिव यू द टोटल आउटपुट पर वीक ऑफ द इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो so, हमने देखा था कि 2000 वर्कर्स थे नाइनटीन हंड्रेड थे वन हंड्रेड थे तो वन हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड सो ये फाइव परसेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट दिस स्टेज इन द इकॉनमी सो ये तो एक सिनेरियो हमने डिवेलप किया है अब हम देखेंगे कि सपोज इकॉनमी में रिसेशन स्टार्ट हो जाता है और उसका फिर इम्पैक्ट किस तरह से होगा आउटपुट पर और अनएम्प्लॉयमेंट सपोज हम येज्यूम कर रहे हैं कि इस रिसेशन में एम्प्लॉयमेंट जो है इट फॉल्स बाय फोर परसेंट राइट पहले कितने लोग एम्प्लॉयड थे लास्ट स्लाइड में हमने देखा नाइनटीन हंड्रेड लोग एम्प्लॉयड थे तो इनका फोर परसेंट अप कम होगी इसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल सो नाइनटीन हंड्रेड का फोर परसेंट हम उसमें से माइनस कर देंगे तो यू विल गेट दिस एटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर ठीक है नाइनटीन हंड्रेड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन माइनस पॉइंट ज़ीरो फोर से सो so, ये आपके पास आ जाएगा एटीन हंड्रेड एंड नाइनटीन हंड्रेड का वन परसेंट अगर होता सिंपल कैलकुलेशन है तो ये कितना होना था नाइनटीन होने थे टू परसेंट होता तो थर्टी एट और इसी तरह थ्री और फोर परसेंट अगर है जो हम रज्यूम कर है, तो रहे हैं तो yes, 76 सिक्स मेरे ख्याल में यस सेवेंटी सिक्स परसेंट जो पहले एम्प्लॉयड थे अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए एम्प्लॉयमेंट आपकी कम होगी लोगों की फोर परसेंट द नंबर ऑफ आवर्स पर वीक वर्क ये भी कम हो गए बताया था तीन रीजन आपने याद रखनी है ठीक है कि लोग रिसेशन में बेरोजगार हो रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है सिक्रिकल अनएम्प्लॉयमेंट उनके वर्किंग आवर्स कम हो रहे हैं लेबर फोर्स कम हो रही है और उनकी एवरेज प्रोडक्टिविटी कम हो रही है सो नंबर ऑफ आवर्स पर वीक जो है पहले जो लोग काम करते थे 40 आवर्स पर वीक काम करते थे अब उसमें 2.5 परसेंट कमी आ गई तो अब हर शख्स कितना काम करेगा फोर्टी मल्टीप्लाइड बाई दिस वन माइनस ये वही टेक्निक वन माइनस पॉइंट जीरो टू फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू द दर्टी नाइन ठीक है फोर्टी का टू पॉइंट फाइव परसेंट यानी एक आवर उनका पर वीक कम हो जाएगा अब वो फोर्टी की बजाय थर्टी नाइन आवर्स पर वीक काम करेंगे लेबर फोर्स कम होगी लेबर फोर्स क्यों कम होगी रिसेशन स्टार्ट हो गया है ठीक है डिमांड नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट्स में प्रोड्यूसर्स की फॉर्म्स की आउटपुट सेल नहीं हो रही ठीक है लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो कुछ लोग जॉब उस अरसे में डिस्करेज होकर जॉब की तलाश करना छोड़ देंगे तो वो लेबर फोर्स से आउट हो जाएंगे तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेबर फोर्स जो है इसमें पॉइंट टू परसेंट कमी हो रही है ठीक है पहले लेबर फोर्स कितनी थी टू थाउजेंड अब इसमें पॉइंट टू परसेंट कमी जब आप उसमें से माइनस करेंगे तो अब लेबर फोर्स का साइज हो जाएगा नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स अनएम्प्लॉयमेंट कितने हो जाएंगे पहले अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट करते थे लेबर फोर्स माइनस एम्प्लॉयड पर्सन अब लेबर फोर्स टू थाउजेंड की बजाय कितनी है नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स और एम्प्लॉयड लोग कितने हैं ऊपर हमने कैलकुलेट किया है 1824 सो अनए्लॉयमेंट जो आपके पास हो जाएगा 172 और इसी से आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करना कर सकेंगे 172 को अब आप नई जो लेबर फोर्स की वैल्यू है 1996 उससे डिवाइड करेंगे तो 8.62 ये आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाए हो गया रिसेशन में टोटल आवर्स पर वीक इन द इकोनोमी अब 1824 लोग काम कर रहे हैं स्टेड ऑफ नाइनटीन हंड्रेड और हर वर्कर काम कर रहे हैं फॉर थर्टी नाइन आवर्स इंस्टेड ऑफ फोर्टी आवर्स सो टोटल कितने आवर्स पर वीक इकोनोमी में काम हो रहा है सेवन डबल वन थ्री सिक्स ये अब आपके पास आ गया फॉल इन टोटल आवर्स पहले सेवेंटी सिक्स थाउजेंड थे नाउ सेवेंटी वन थाउजेंड एंड वन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स तो इसका डिफरेंस और इसको सेवेंटी सिक्स से आप डिवाइड करेंगे तो टोटल जो वर्किंग आवर्स हैं उनमें 6.4 परसेंट कमी आ गई ओके okay. हम एक और अध्यप्शन यहाँ पर ले रहे हैं कि वैन टोटल आवर्स फॉल बाय 1 परसेंट टोटल आउटपुट फॉल बाय 1.4 परसेंट तीसरी रीजन क्या थी दो तीन बातें थी लेबर फोर्स कम हो गई, वर्किंग आवर्स कम हो गए और तीसरी बात ये थी कि एवरेज प्रोडक्टिविटी कम हो गई अब प्रोडक्टिविटी भी कम होगी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट आपकी और वर्किंग आवर्स वन परसेंट कम होते हैं तो आपकी जो आउटपुट है ये वन पॉइंट फोर परसेंट कम हो जाती है सो so, अब टोटल आउटपुट में फाल कितना होगा सिक्स पॉइंट फोर जो आपके आवर्स कम हुए थे और वन पॉइंट फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आउटपुट में एट पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट कमी हो जाएगी तो रिसेशन में रिसेशन से पहले आउटपुट कितनी थी सेवन सिक्सटी थाउजेंड ठीक है अब इसमें एट पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट कमी आप इसमें माइनस करेंगे तो अब न्यू रिसेशन में जो आउटपुट होगी इट विल बी सिक्स नाइन्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फोर ऑप्शन कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आउटपुट में कितनी कमी हुई है 8.96 परसेंट और आपके पास एम्प्लॉयमेंट में कितना इजाफा हुआ है पहले फाइव परसेंट से हमने स्टार्ट किया था और रिसेशन की वजह से ये एट पॉइंट सिक्स परसेंट हो गया तो एट पॉइंट सिक्स परसेंट से में से फाइव परसेंट माइनस करेंगे तो ये आपके पास अनएम्प्लॉमेंट में इजाफ़ा हुआ है और एट पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट आपकी आउटपुट में कमी हुई है तो इसका आंसर आ रहा है टू पॉइंट फोर नाइन सो ये आंसर जो है जैसे ओकन सलाम में वो कहते हैं कि अनएम्प्लॉमेंट में एक परसेंटेज पॉइंट के इजाफे से आउटपुट में अराउंड टू परसेंट कमी होती है तो इस न्यूमेरिकल एग्जांपल से हमने समझने में मदद मिली कि कैसे एक परसेंट इजाफा अनएम्प्लॉयमेंट का आउटपुट को एक परसेंट से ज़्यादा कमी का सबब बनता है